हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 के एक्सरसाइज आपका जो अध्याय 3 है उसमें आपके द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्नों को तीन प्रकार से हल किया जाता है। पहला जो होता है वो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, दूसरी श्री धराचार्य विधि और तीसरी पूर्ण वर्ग बनाकर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरणों के मूल ज्ञात करते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न हम ले लेते हैं आज। आपका चैप्टर नंबर 3 से संबंधित है ये। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न दे सकता है अपने को इस प्रकार से, 2x² - 7x + 5 = 0 के मूल ज्ञात करें। अब मूल कैसे ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपने को इसके जो है तीन बॉक्सेस का ध्यान रखना है। पहला बॉक्स है हमारा b² - 4ac, ये जो है बराबर हो अगर 0 के तो मूल कैसे प्राप्त होते हैं, 2 समान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे अगर ये कंडीशन बनती है। b² - 4ac = 0 होता है। अब ये b² - 4ac को ये d भी लिखता है, क्या लिखता है, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ये भी ध्यान रखना। अब इसका सेकंड कंडीशन बनती है b² - 4ac > यानी प्लस में उत्तर आता है हमारा। बड़ा होने का मतलब बड़ा होता है इससे, जीरो से, ठीक है, जीरो से बड़ा होने का मतलब प्लस में मान आएगा हमारा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में दो मूल तो प्राप्त होंगे लेकिन असमान मूल प्राप्त होंगे, दो असमान यानी अलग अलग, क्या लिख सकते हैं, अलग अलग, भिन्न भिन्न, कुछ भी लिख सकते हैं। तो दो असमान या भिन्न भिन्न अलग अलग भिन्न भिन्न या अलग अलग वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तीसरी कंडीशन है फ्रेंड्स, तीसरी कंडीशन में क्या होता है, b² - 4ac ये होता है छोटा, यानी ऋणात्मक मान आएगा हमारा, अब प्लस में नहीं आएगा माइनस में आएगा, और किससे छोटा होता है, जीरो से, तो जीरो से जो छोटी संख्या होगी वो हमेशा माइनस में आएगी आपके। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मूलों का अस्तित्व ही नहीं होता, या तो ऐसे लिख सकते हैं या लिख सकते हैं मूल काल्पनिक यानी कल्पना में प्राप्त हो सकते हैं, ख्यालों में, ठीक है, मूल काल्पनिक होंगे या मूल प्राप्त नहीं होंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, कुछ भी अपने लिख सकते हैं। तो ये तीन कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। अब हम शुरू करते हैं ये b² - 4ac निकलता कैसे है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ a बराबर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, प्लस है तो प्लस का है ये। अब देखिए b किसके, माइनस के हैं, तो ये माइनस का 7, और सी है हमारा प्लस का 5, ठीक है। अब अपने निकालते हैं b² - 4ac, तो b² - 4ac का मान क्या है, यहीं लिख देते हैं, b² का मान है -7² - 4 * a है मेरा 2 और c है 5, तो -7² होता है 49, और 4 * 8, 8 * 5 = 40, तो कितना आया मेरा यहाँ पर आ गया
नो, ये प्लस में आया। अब देखिए जीरो तो नहीं है, ये वाली कंडीशन नहीं आ रही, लेकिन ये वाली आ रही है जीरो से बड़ा है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है? जीरो से बड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बड़ा है जीरो से, अतः है दो अलग अलग भिन्न भिन्न या असमान, मैं तीनों ही बता रहा हूं आपको, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, अलग अलग या भिन्न भिन्न या असमान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अब फ्रेंड्स ये तो थी इसकी कंडीशन भी, प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, मूल काल्पनिक तो नहीं है, अगर मूल वास्तविक है तो मूल किस प्रकार के हैं, तो यहां तक अपने को करना ही करना है। अब आती है विधि तीन, इसकी जो विधियां हैं, तो मैं आपको फर्स्ट विधि करवा देता हूं। अभाज्य गुणनखंड विधि, इससे अपने इसको हल करते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको, ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए कैसे करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ये जो है ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए अंत में जो चिन्ह है वो किसका है, प्लस का है। तो यहां लिखेंगे अंत में प्लस है, अतः अंत में प्लस से आता है, जोड़ने पर, जोड़ने पर आपका क्या आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए बीच वाली जो संख्या है वो सात है आपकी, सात आना चाहिए जोड़ने पर सात, और गुणा करने पर, मैं सिर्फ अंकों की बात कर रहा हूं, x या y या a b इनमें से किसी की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपके, गुणा करने पर ये बाहर वाले जो पद हैं दो और पांच, इन दोनों को गुणा कीजिए आप, दो पंजे दस, यानी गुणा करने पर आपके दस आने चाहिए और जोड़ने पर सात आने चाहिए। तो ऐसे पहाड़े जिनमें दस आते हैं, दो पंजे दस, दो के पहाड़े में आते हैं दस, दो पंजे दस, तो और दो और पांच दोनों को जोड़ते हैं तो सात आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा यही वाला सेट बैठेगा, दो पंजे दस वाला। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दो एक्स की घात दो माइनस सात एक्स प्लस पांच, इसको इस प्रकार से लिखेंगे अपने, दो एक्स स्क्वायर माइनस लगा दो यहां पर प्लस पांच, ये देखो सिर्फ सात को हटा रहा हूं मैं, आपके लिए इजी रहेगा, इस प्रकार से समझा देते हैं। ये देखिए ये वाला यहां तक लिख रहा हूं और ये वाला यहां तक लिख रहा हूं, सिर्फ सात एक्स को हटा रहा हूं, और उस सात एक्स को मैं किस प्रकार से लिखूंगा, उसको अब मैं लिखूंगा दो और पांच के रूप में, यानी दो एक्स और पांच एक्स के रूप में, और जोड़ते हुए, तो जो बड़ी संख्या है वो दो और पांच में पांच है, तो मैंने पांच आगे लिख दिया, पांच एक्स प्लस दो एक्स। अब देखो इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो सात एक्स हो जाते हैं मेरे। अब देखो दो और पांच को गुणा कर रहे हैं तो दस भी आ रहे हैं, तो हमारी जो ये कंडीशन है वो सेट बैठ गई है। अब हम इसके आगे चलेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट खोलने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाला चिन्ह देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस है, अतः हमारे अंदर वाले जो पाँच एक्स और ये दो एक्स हैं इनके चिन्ह बदलेंगे, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो फिलहाल अंदर ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस के पाँच एक्स हो जाएंगे, इसके बाद ये प्लस के दो एक्स हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के दो एक्स हो जाएंगे, प्लस का पांच बराबर जीरो, ये वाला हमारा इस प्रकार से आगे और बढ़ाएंगे अपने इसको। अब देखिए इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेने बहुत आसान है, आप क्या कीजिए इनके टुकड़े कर दीजिए, दो गुणा एक्स गुणा एक्स, एक्स दो बार है, माइनस पांच गुणा एक्स, ये इनके हो गए टुकड़े। अब ये देखिए माइनस दो गुणा एक्स प्लस पांच, अब चाहें तो अपने आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो टुकड़े भी हो गए। अभी इन दोनों में देखो क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, x दोनों जगह आ रहा है, तो उस x को पकड़ करके हमने बाहर निकाल दिया, तो अंदर यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2x,
फिर क्या बचा माइनस, फिर क्या बचा पाँच। अब देखिए यहाँ कोई कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा हमें, तो यहाँ पर हम देखो ये माइनस का माइनस लगाया, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कौन सी संख्या को पकड़ करके बाहर निकालें जो प्लस के इस तरफ भी और इधर भी है। जैसे यहाँ पर दो साइड है, ये माइनस से दो साइड बन गई थी हमारी, तो हमने कॉमन लिया था, उसी प्रकार यहाँ देखेंगे है क्या कुछ ऐसा, बिल्कुल नहीं है। तो जब नहीं होता तो हम क्या करते हैं, एक रखते हैं यहाँ पर और अंदर क्या लिख देंगे, जैसा है वैसा का वैसा 2x। अब देखिए यहाँ अगर प्लस लगाते हो तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ब्रैकेट है नहीं, अब हम लगा रहे हैं, तो जब ब्रैकेट नहीं होगा और ब्रैकेट लगा रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर माइनस वाली संख्या ले रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर वाली संख्या के चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो यहाँ प्लस की जगह माइनस का 5 आएगा। फ्रेंड्स ये दोनों एक जैसे होंगे, अगर हम यहाँ प्लस का 5 लगाते, ये वाला और ये वाला बॉक्स दोनों अलग हो जाते, तो हमें साफ पता चल जाता कहीं ना कहीं एरर हुआ है। तो एरर यहाँ हमें आसानी से मिल सकता है अगर हम ध्यान देंगे तो। बराबर में 0 लगाते रहना है अपने को। अब देखिए फ्रेंड्स 2x-5 जो है वो कॉमन है, तो 2x-5 आ गया हमारा, दोनों साइड में कॉमन है यहाँ पे, तो ये दोनों साइड से जो कॉमन था उसको पकड़ करके बाहर निकाला मैंने, यहाँ बचा मेरा x-1 बराबर 0। अब देखिए फ्रेंड्स 2x-5 बराबर 0 लिखेंगे एक बार, तो और एक बार लिखेंगे x-1 बराबर 0। ये माइनस के 5 इस साइड जाएंगे, तो ये जाएंगे 2x बराबर माइनस के 5 है तो प्लस के 5 हो जाएंगे। फिर ये देखिए 2 यहाँ पर है, ये 2 को उठा करके सीधे हाथ की तरफ ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे इसका, तो यहाँ गुणा में है फ्रेंड्स ये, अब ये बट्टे में चला जाएगा 5/2, ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये जो माइनस का 1 है इसको उठा करके ले जाएंगे, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमें 2 मूल प्राप्त हुए और दोनों ही जो मूल हैं वो अलग अलग हैं, ये 5/2 है और ये 1 है, तो हमारी कंडीशन सही सेट हो रही है कि 2 असमान और वास्तविक मूल प्राप्त हो रहे हैं। फ्रेंड्स ये था हमारा कक्षा 10 के अध्याय 3 के जो हैं आपके द्विघात समीकरण का हल किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में पूर्ण वर्ग विधि और श्री धराचार्य विधि से प्रश्न को कैसे हल करते हैं वो बताएंगे। फ्रेंड्स आप हमसे जुड़े रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। धन्यवाद।